अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके गीज़र का पुश बटन जैम हुआ हुआ है तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में एक भाई ने पूछा हुआ था कि हम ये पुश बटन किस तरह चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनका बिल्कुल जैम हुआ हुआ है और उन्होंने ऑयलिंग भी की है लेकिन उनका ठीक नहीं हुआ। तो आज हम आपको इसका सही तरीका बताएंगे कि आपने इस पुश बटन को बाहर निकाल के किस तरह इसको ऑयलिंग करनी है। क्योंकि बात औकात क्या होता है कि गीज़र बाहर लगा होता है, बारिशें होती हैं, ह्यूमिड होता है वेदर, जिसकी वजह से इसके अंदर कार्बन आ जाता है, तो ये बहुत सख्त जैम हो जाता है। तो ये जितना भी आप इसको प्रेस करेंगे ये प्रेस नहीं होता। ये देखें, पुश बटन जो है जैम है, नहीं वर्क कर रहा। इसको अब हम ठीक करेंगे। सबसे पहले हम लोग गीज़र का जो गैस का सप्लाई का वॉल है वो बंद कर देंगे। उसके बाद हमने ये ऊपर वाली जो नॉब है इसको रोटेट करके पायलट की तरफ लाना है और पुल कर लेंगे। इसी तरह सामने की जो फ्रंट की नॉब है ये भी उतार लेंगे। अब हमने जो ये कवर है इसको अनस्क्रू कर लेना है। बॉक्स खोल लिया हम लोगों ने। अब हम इसको ऐसे ही निकाल के नीचे रख देंगे। अब हम लोगों ने सबसे पहले ये जो दो स्क्रू हैं ये खोल लेने हैं। ये काफ़ी सख्त जैम है तो इनको हम लोग सबसे पहले ऑयलिंग करेंगे। ऑयल करके अब हम लोग इनको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम लोग कपड़े से साफ कर देंगे। ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गए हैं। अब हम उनको खोलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने ये स्क्रू ड्राइवर लेके इसके ऊपर हल्का सा टैप करना है ताकि अगर ये जैम हुआ हो किसी कोई कार्बन की वजह से तो ये आराम से फ्री हो जाए। ये देखिए, ये देखिए खुल गया। इसी तरह हम लोग दूसरा भी खोल लेंगे। ये देखिए दूसरा भी खुल गया। अब हम इसको ऊपर से उठा लेंगे। ये हमारा पुश बटन जो है खुल गया। अब आपने एक दफ़ा इस वॉशर पे हाथ रख के, ऐसे हाथ रख के एक दफ़ा फूंक मार देनी है। उसके बाद इस जगह पे आपने ऑयलिंग करनी है। आप ऑयलिंग भी कर सकते हैं, प्लस अगर आपके पास WD-40 है तो उससे भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करके हमने इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। अब ऑलमोस्ट 5 मिनट गुजर गए हैं। अब हम इसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये देखें प्रेस हो रहा है हल्का हल्का सा, लेकिन इसको पूरा प्रेस होना चाहिए। हम लोग इसको प्रेस करते रहेंगे जब तक ये फ्री नहीं हो जाता। ये आहिस्ता आहिस्ता फ्री होके पूरा प्रेस होना शुरू हो जाएगा। देखें आप पूरा अंदर जा रहा है। ये देखिए अब हमने ये जो पुश बटन है इसके ये एजिस पे यहाँ पे भी हल्का सा ऑयलिंग करेंगे ताकि ये भी यहाँ से फ्री हो जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर कार्बन बिल्डअप हो जाएगा तो ये देखिए ये बटन हमारा प्रेस नहीं होता। ये देखिए ये कितना हार्ड हुआ हुआ है। अब हमने इसको एक दफ़ा ज़ोर से टैप करना है अंदर। ये देखिए अब ये अंदर आ गया। अब ये यहाँ से फ्री हो गया। अब हम इसके साइडों पे यहाँ पे ऑयलिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करना, हल्का सा ऑयलिंग करके आपने इसको हाथ से फैला देना ऑयल को, ताकि यहाँ से भी फ्री हो जाए। अब हम इसको बटन को वापस लगा लेंगे। हमने ये दो स्क्रू जो हैं वापस लगा देने हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह।
सामने रखो, सामने रखो इधर, बस ये यहीं पे रोक के रखो। दोनों स्क्रू जो है हम लोग लगा लेंगे। ये लगा लिए हमने दोनों स्क्रू। अब हम इन पुश बटन को प्रेस करके देखते हैं। ये देखिए अब बिल्कुल इजी हो गया पुश करना इसको। अब हम ये जो फ्रंट का कवर है ये वापस लगा लेंगे। अब हम लोग फ्रंट की थर्मल शर्ट की जो नॉब है ये लगा लेंगे और जो बटन है ये लगा लेंगे। इसको वापस रोटेट करके फ्रंट पे ऑफ पोजीशन पे करते हैं। ये देखें अब हमारा पुश बटन जो है बिल्कुल फ्री हो गया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।